क्या आपको पता है एक पाइनएप्पल को उगने में कितना टाइम लगता है? और जब आपको कोहनी के पीछे लगती है किसी भी चीज़ से तो आपको झटका क्यों लगता है? ऐसे ही रैंडम फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। फैक्ट नंबर 6, अगर आप अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करते हैं तो आपने ये ज़रूर नोटिस किया होगा कि चींटियाँ या चीटे जब ऊंचाई से, बहुत ऊंचाई से भी गिरते हैं तो उनको कोई डैमेज नहीं मिलता है, कोई फॉल डैमेज नहीं होता है। तो वो इसलिए होता है क्योंकि चींटी या चीटे के अंदर इतना मास ही नहीं होता है, इतना वज़न ही नहीं होता है उनके अंदर कि उनको कोई डैमेज मिले ग्रेविटी की फोर्स की वजह से। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है जो फल आप नॉर्मली अपनी नॉर्मल लाइफ में खाते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा टाइम कौन से फल को उगने में लगता है? अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूँ, वो फल है पाइनएप्पल, और पाइनएप्पल को उगने में कम से कम 2 साल लगते हैं, 2 साल से 3 साल तक का समय तो लगता ही है एक पाइनएप्पल को फुल्ली ग्रो होने में। इसका मतलब आप जो पाइनएप्पल खा रहे हैं वो 2 से 3 साल पहले उगाया गया था और आप उसको 5 मिनट में खा जाते हैं। फैक्ट नंबर 4, क्या आपने ये सोचा है कि जो बर्गर आप 50, 60 या 70 और ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये में खाते हैं, चाहे वो मैकडोनल्ड्स का हो या ठेले पे से लिया हुआ हो लोकली, वो अगर आप एकदम शुरुआत से बनाएं, पूरा रॉ सामान भी आप खुद ही बनाएं, जैसे कि ब्रेड भी उसकी उसका जो बन होता है वो भी आप खुद बनाएं, सब्जियां भी आप खुद उगाएं, और ब्रेड बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए पड़ती हैं वो भी आप खुद उगाएं और बनाएं, तो आपको टोटल कितने रुपए लगेंगे उस सब में? तो अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ कि एक बर्गर पूरा कंप्लीट रॉ सामान से लेकर पूरा कंप्लीट बर्गर बनाने के लिए आपको लगेंगे कम से कम $1500, $1500। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको अंधेरे से डर लगता है? और अगर आपको अंधेरे से डर लगता है तो इसमें आपकी गलती बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अंधेरे से डरते हुए ही हम लोग अभी तक सर्वाइव कर पाए हैं। जो इंसान जाती है, इंसान जो हैं वो अंधेरे की डर की वजह से भी सर्वाइव कर पाए हैं, और अंधेरे से नहीं डरते अगर तो हो सकता है अभी तक इतने एवॉल्व नहीं हो पाते और अब तक इंसान ख़त्म हो चुके होते। तो अगर आपको कोई चिढ़ाता है कि तुम्हें अंधेरे से डर लगता है तो इसमें आपकी गलती नहीं है, ये हमारे सर्वाइवल के लिए अपन के अंदर डर पैदा हुआ है और ये हमारे एवोल्यूशन का एक हिस्सा है, और हमें अंधेरे से डर एवोल्यूशन के साथ इसलिए लगने लगा ज़्यादा क्योंकि जो भी शिकारी जानवर रहते हैं जैसे कि शेर हो गया, लेपर्ड हो गया, तो ये सारे जानवर ज़्यादातर रात में ही शिकार करते हैं, और रात में हम इंसान लोग सोते हैं, आराम करने का समय रहता है, और इसी डर की वजह से कि रात में हमारा शिकार ना हो जाए शेर या कोई और ख़तरनाक जानवर से, हमारे अंदर ये डर एवॉल्व हुआ अंधेरे का क्योंकि हम सर्वाइव कर पाए ज़्यादा से ज़्यादा समय तक। फैक्ट नंबर 2, अगर आप एक मांसाहारी हैं तो किसी ना किसी वेजिटेरियन ने आपसे ये ज़रूर बोला होगा कि तुम मांस क्यों खाते हो। वो नहीं खाते इसलिए वो ऐसा बोलते हैं, और ज़्यादातर लोगों का रीज़न यही रहता है कि वो इसलिए नहीं खाते हैं क्योंकि वो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, दूसरे जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, किसी की जान नहीं लेना चाहते। और किसी ना किसी वेजिटेरियन ने किसी भी मांसाहारी इंसान से ये ज़रूर बोला होगा। अगर आप एक वेजिटेरियन है तो हो सकता है आपने भी ये किसी से बोला हो। और बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि रात में पेड़ों को हाथ नहीं लगाना चाहिए क्योंकि उनकी नींद खुल जाती है, वो लोग रात में सोते हैं। तो अब जो लोग वेजिटेरियन हैं वो ये बात ध्यान से सुने कि अगर आप ये बोलते हैं कि रात में पेड़ों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, पौधों को हाथ नहीं लगाना चाहिए, तो उनकी नींद खुल जाती है। तो उनकी नींद इसलिए खुलती है क्योंकि उनको फील होता है, आपके हिसाब से उनकी नींद जब ही खुलेगी जब उनको फील होगा कि अपन ने हाथ लगाया, और अपन ने हाथ लगाया उसकी वजह से उनकी नींद खुली। इसका मतलब ये है कि
पेड़ पौधों के अंदर भी फीलिंग्स हैं आपके मुताबिक, जो जो मैंने कंडीशंस बताई उसके मुताबिक पेड़ पौधों के अंदर भी फीलिंग्स हैं। तो जो वेजिटेरियंस लोग इतना बोलते हैं जो भी मांस खाते हैं उनसे कि हमें नुकसान नहीं पहुंचाना, और वो जब अगर कोई पेड़ का फल तोड़ते हैं, अब अगर उनमें फीलिंग है तो पेड़ का फल टूटने पर भी उनको दर्द होना चाहिए, क्योंकि अगर उनमें फीलिंग है तो उनको अपने खुद के हिस्से का, पेड़ का ही एक हिस्सा होता है फल, तो जब अपन फल या फूल तोड़ते हैं तो उनको भी दर्द होता होगा, इस मुताबिक के रात को हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो अगली बार से किसी को भी कुछ बोलना हो तो सोच समझ के ही बोलिएगा। फैक्ट नंबर 1, जब आपको अपनी कोहनी के पीछे वाले हिस्से में लग जाती है तो आपको कभी कभार ऐसा ज़रूर लगता होगा जैसे आपको बहुत तेज़ झटका लगा हो। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अपने सिर के ऊपरी भाग से अपनी उंगलियों तक एक नर्व जाती है जिसका नाम है उल्नर नर्व, और वो अपने हाथ मतलब अपने शरीर की सबसे बड़ी अनप्रोटेक्टेड नर्व होती है अपनी बॉडी में। और अनप्रोटेक्टेड नर्व का मतलब ये है कि उसके ऊपर कुछ ज़्यादा मांस नहीं रहता है, मतलब नॉर्मली जो नर्व्स होती हैं वो थोड़े अंदर दबी रहती हैं, उनके ऊपर मांस की थोड़ी लेयर रहती है, लेकिन इसके ऊपर मांस की लेयर बहुत कम रहती है। और अपनी नर्वस सिस्टम एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए इलेक्ट्रिक पल्सेस का यूज़ करता है, और जब अपन की कोहनी में लगती है तो वो पल्सेस रुक जाती हैं, और वो नर्व बहुत लंबी रहती है इसलिए हमें एक इलेक्ट्रिक शॉक फील होता है।